हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट कैच चैनल। और आज मैं आप सबके लिए थर्ड मैथ का अर्थात थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। और ये इजी भी है न्यूमेरिकल, थोड़ा ध्यान देखते देखिए वीडियो विदाउट स्किप के आपको मार्क 5 मार्क मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स का और भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, और भी अदर अदर सब्जेक्ट का वो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का टॉपिक की तरफ चलता हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है? क्ले हेलिमेंटस। क्ले हेलिमेंटस के बारे में हम करते हैं, ये अर्थात ये वेरीफाई करेंगे आज क्ले हेलिमेंटस थ्योरम हो रहा है कि नहीं इस मैट्रिक्स से। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देख सकते हैं ये गिवन है। तो लेट ए बराबर ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है सेम वो लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं राइटिंग इन फॉर्म ऑफ ए माइनस लेमडा आई, लेमडा आई लिख देना है। अतः आई का अर्थ क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स। तो ये जो दिया हुआ है मैट्रिक्स ये सेम यही रखना है, यहाँ पर देख सकते हैं रख दिए। उसके बाद आई माइनस लेमडा, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ पर 3x3 है तो 3x3 कर दिए। उसके बाद लेमडा से इसमें गुना कर देंगे, इसमें भी इसमें भी, तो लेमडा से गुना कर देंगे तो 1 1 में लेमडा हो जाएगा और सब तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 वाले है तो 1 वाला इसमें घटेगा और 0 वाला इसमें घटेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसमें गुना करने के बाद आपको घटा देना है, ये बात ध्यान में रखना है। पहले इसमें गुना करना है उसके बाद घटाना है। तो देख सकते हैं ऐसे घटाने के बाद ऐसे आ जाएगा, तो ईजी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बात और ध्यान देना है आपको, अब 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ये आपको मालूम ही होगा, ये अगर हमने ए ले लिए तो ये लेने के बाद क्या हो जाता है आप सबको मालूम ही होगा, और अदर 0 हो जाता है। ए वाला क्या हो जाएगा? ए, और ए हम नहीं ले सकते। ए वाले जो ले लिया 1 माइनस लेमडा, तो ए और ये कैंसिल हो गया, बच गया ए, ऐसे होगा इसमें से होगा और इसमें से गुना होगा। तो 3 माइनस लेमडा -4 और -4 -3 होगा तो +3 हो जाएगा, ऐसे करता है। तो ऐसे ही प्रोसेस होता है, ये सब तो आपको मालूम ही होगा, ऐसे करते जाइएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो एक बार ले लिए, उसके बाद ए 1 लेना है। तो 1 लेने वक्त आपको क्या ध्यान में देना है, तो क्या हो जाएगा, थ्रू आउट ए कैंसिल हो जाएगा और ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 1 माइनस ए हो गुना 1 से इसमें गुना होगा और इससे इसमें गुना होगा, अब बीच में माइनस साइन आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 3 ले रहे हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा और ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा इसमें से इसमें होगा और इसमें से इसमें होगा। तो ऐसे ही होते जाएगा, ये तो आप सबको मालूम है, ऐसे ही करना है। और उसके बाद इसको मल्टीप्लीकेशन सब करना है, देख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट सब हटाना है, गुना वना करना है, तो आगे बढ़ना है। देख सकते हैं ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे वो, और उसके बाद बच जाएगा ऐसे, लास्ट में इतना बच जाएगा, ऐसे ही आप फॉर्म में आ जाएगा, इक्वेशन फॉर्म में। तो क्या करना है, पुट लेमडा बराबर ए कर देना है, ये बात एक ध्यान में रखना है आपको, पुट ए बराबर लेमडा बराबर ए, तो ये रख दिए। तो ऐसे इक्वेशन में आ गया, और लास्ट में जो ए 56 है इसमें आपको इंटू आई कर देना है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। ये बराबर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाई फॉर क्ले हेलिमेंटस करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, अब ये जो इक्वेशन हो गया इसमें हम अब एक का वैल्यू रखेंगे निकाल के, और 0 आ जाएगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, इसी से वेरीफाई होगा करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बराबर जो रख दिए, तो ये बराबर हमने क्या एज्यूम किया था आपको मैंने बता दूँ, देख सकते हैं ये बराबर इतना एज्यूम किए थे। तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, देख सकते हैं तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर हो गया। तो मैट्रिक्स का गुना फॉर्म आपको आता ही होगा, कैसे गुना किया जाता है मैट्रिक्स में, जैसे मैं देख सकते हैं 1 से गुना होगा तो इसमें से इसमें गुना होगा, और इससे गुना होगा तो फिर क्या होगा, इसमें गुना होगा, या इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, एल फॉर्म में गुना होता है। 1 से गुना करेंगे इसमें, इससे 1 से गुना करेंगे इसमें, और इससे गुना करेंगे इसमें, फिर इसमें गुना करेंगे तो इससे होगा, और उसके बाद इससे फिर में गुना करेंगे तो ऐसे होगा, एल फॉर्म में गुना होता है। ये आप करते जाइएगा और घटाते जाइएगा, उसके बाद लास्ट में आपको ऐसे ए स्क्वायर निकल गया। उसके बाद ए स्क्वायर निकल गया तो ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो ए क्यूब भी निकल गया, देख पा रहे होंगे, ऐसे निकालते जाइएगा। और निकालने के बाद ए क्यूब भी आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ए स्क्वायर और ए क्यूब, क्या करना है, इक्वेशन 1 में गुना कर रख देना है, वैल्यू पुट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहेंगे ए क्यूब और इंटू ए आ गया, जो वैल्यू ये पुट कर देंगे, और आई के ठाव पर यूनिट मैट्रिक्स 3x3 लिखेंगे, और लास्ट में 0 आ गया तो क्ले हेलिमेंटस वेरीफाइड हो जाएगा। तो देख सकते हैं इक्वेशन 1 में यहाँ वैल्यू पुट कर दी है,
और मल्टीप्लाई कर दिए और सबट्रैक्ट प्लस माइनस कर देने के बाद लास्ट में जीरो आ गया। तो ये क्या हो गया, इट इज़ वेरीफाइड क्ले हिल्मेंटस थ्योरम, क्ले हिल्मेंटस थ्योरम का ये वेरीफाइड हो गया। तो ऐसे एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ये फिक्स है, आउट है, ऐसे ही पूछा ही जाता है, तो ये जरूर पढ़ के जाइए और एग्जाम में आप अच्छे से मार्क अचीव कर पाएंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और कोई राय सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। और जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ही हमारे बिग फैमिली होगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे और गिव्स भी लाएंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो।